हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों को पता है कि एनसीईआरटी मैथ्स की जो हमारी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक है उसके हम सभी चैप्टर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इससे पहले लगभग हमने एक दो चैप्टर्स को छोड़ के काफ़ी चैप्टर्स की वीडियोज़ ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दी है। और आज हमारा 10th क्लास का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, उसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आज हम एक ही वीडियो में नहीं करेंगे। मैं आज आपको पहले 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से हैं, जो एक्सरसाइज आपकी 12.1 है। तो आपने इनको बहुत ही ध्यान से समझ लेना है बच्चों। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है आपके पास। तो जनरली जो पेंसिल होती है बच्चों वो सिलेंड्रिकल ही होती है ना। मान लो ये आपके पास एक पेंसिल बना रहा हूँ मैं, ये पेंसिल बना देते हैं एक, देखो जनरली जो हमारी पेंसिल होती है वो ऐसे होती है कुछ। तो ऐसे हम एक पेंसिल बना देते हैं, तो ये एक पेंसिल है ना। थोड़ा सा जो इसका एज है वो हम उसको एक पेंसिल की तरह ऐसे थोड़ा सा गोलाई में कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसको हम सिलेंड्रिकल पेंसिल कह रहे हैं, तो ऐसे होती है जनरली पेंसिल। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको शार्प कर दिया बच्चों। जब आप इसको शार्प कर दोगे तो क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम इसको शार्प करेंगे तो जो इसकी शेप है वो कैसी हो जाएगी बच्चों, दैट विल बी लाइक दिस। अब इसको शार्प करने के बाद जो इसकी शेप है वो तो आप सभी बच्चों को वैसे तो पता ही है ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपके लिए ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम इसको शार्प कर लेते हैं आगे से तो इसकी शेप ऐसे बन जाती है, ये देखो कुछ ऐसे ऐसी शेप आपको मिलेगी, है ना, जब इसको शार्प कर दिया। तो आपको कहते हैं कि सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट वन एज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कोन, और ये क्या है, सिलेंडर। तो इसका मतलब जब एक पेंसिल को आपने शार्प कर लिया वो किस किस की कॉम्बिनेशन होती है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आ गया ए ऑप्शन, कोन एंड सिलेंडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास एक सुराही है। सुराही कैसी होती है बच्चों, मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। सुराही ऐसे होती है, ये होती है सुराही, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन कौन सी शेप्स हैं। तो इसमें देखो ये शेप तो मुझे लगता है कि स्फीयर होगी, आपको भी पता होगी, और ये शेप क्या है आपकी, सिलेंडर है। तो जो सुराही है वो सिलेंडर एंड स्फीयर से मिलके बनती है। तो इसका भी जो सही ऑप्शन है बच्चों वो आपका आ गया ए ऑप्शन, स्फीयर एंड सिलेंडर। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है प्लम्ब लाइन। जो प्लम्ब लाइन है साहुल होता है, जो आप कोन खाते हो, जो आप मार्केट में आइसक्रीम खाते हो, तो इसी फॉर्म में हम कोन होता है। तो इसमें जो मुझे शेप दिख रही है बच्चों, ध्यान से अगर देखूँगा मैं, तो ये तो मुझे हेमिस्फीयर दिख रहा है और जो मुझे कोन दिख रहा है। तो हेमिस्फीयर एंड कोन की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, साहुल बनता है प्लम्ब लाइन। जो आप सॉफ्टी खाते हो, कोन खाते हो, तो उसमें दो फिगर्स होती हैं, एक हेमिस्फीयर एक कोन। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब हम आते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन, दैट्स वेरी सिंपल। द शेप ऑफ ए ग्लास टम्बलर इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ये फ्रस्टम होता है बच्चों। वैसे तो इस बार CBSE ने जो फ्रस्टम वाला टॉपिक था वो कट कर दिया आपके सिलेबस में से, डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब 2021 में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं उसमें फ्रस्टम का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आपको नॉलेज के लिए बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो बकेट होती है आपके घर में वो इसी फॉर्म में होती है, ग्लास भी इसी फॉर्म में होता है। तो इसको बोलते हैं हम फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिल्ली डंडा जनरली एक गेम है, आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी खेली होगी। तो जो गिल्ली होती है, हम गुल्ली डंडा बोलते हैं वैसे, तो ये गिल्ली लिखा है इन्होंने, जो गिल्ली डंडा है। तो गिल्ली डंडा में क्या क्या होता है, देखो ये तो है बच्चों सिलेंडर, बीच वाला तो सिलेंडर है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। रशील वाला एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा मॉडल बनाता है, तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें दो कोन्स आगे एक सिलेंडर आगे। तो आपका जो सही ऑप्शन आ गया वो सी ऑप्शन आ गया बच्चों। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अब आपको समझ आ गया। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। शटल होती है, शटल चिड़ी बल्ला खेलते हैं हम, बैडमिंटन बोलते हैं उसको, जो आप चिड़ी बल्ला खेलते हो वो बैडमिंटन है। उसमें शटल कॉक जो चिड़ी होती है जनरली, वो हम कुछ ऐसे बना देते हैं,
जो चिड़ी होती है हमारी वो कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे हेमिस्फीयर लगा होता है, ये चिड़ी बन जाती है ऐसे। ज़्यादा अच्छी तो मेरी ड्राइंग नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की आपको दिखाने की, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो जो चिड़ी होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अब ये कौन सी शेप है बच्चों, ये हेमिस्फीयर है, और ये कौन सी शेप है, ये फ्रस्टम है। तो एक फ्रस्टम हो गया, एक हेमिस्फीयर हो गया, तो फ्रस्टम ऑफ ए कौन है, हेमिस्फीयर, इसका सही ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर। तो जो चिड़ी होती है शटल कॉक बैडमिंटन गेम में, वो फ्रस्टम एंड हेमिस्फीयर से मिलकर बनी होती है। तो सेवन्थ क्वेश्चन आ गया बच्चों, सेवन्थ क्वेश्चन में लिखा है कोन इज कट थ्रू ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। अब इसका मतलब क्या है कि पहले मैं आपके सामने कोन बना देता हूँ, ये आपके पास एक कोन है, ठीक है, उसको मैंने पैरेलल टू इट्स बेस यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। तो जब मैंने इसको कट कर दिया तो एक तो आपके पास कोन बन जाएगा ऊपर, तो ये तो ऊपर वाली फिगर क्या बन गई, ये इतनी सी फिगर कोन बन गई, और इस फिगर को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो मेरा ये बन गया, और इस पोर्शन के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। सो ये पोर्शन क्या कहलाता है, फ्रस्टम, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो ये आपका आ गया ए ऑप्शन आ गया, दैट इज़ अ फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो इसका इसका नाम फ्रस्टम ऑफ द कोन क्यों बना, क्योंकि फ्रस्टम इज पार्ट ऑफ कोन। ये कोन को ही ऊपर से कट करने के बाद जो आपका रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज फ्रस्टम, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे कि आपके पास एक हॉलो क्यूब है, आपके पास क्या है, एक हॉलो क्यूब है। हॉलो का मतलब कि वो अंदर से खाली है, इसमें आपने मार्बल के पीस रख दिए ऐसे। तो जब आपने इसके अंदर मार्बल के पीस रख दिया, आपको पता है कि मार्बल की जो शेप है वो इन्होंने स्फेरिकल दिया, तो ऑब्वियसली बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बच जाएगी। क्या लिखा है, हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज, जहाँ आप लिख सकते हो साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी दी हुई है आपको, 22 सेंटीमीटर दी हुई है। इज फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल्स, इसमें आपने स्फेरिकल मार्बल्स डाल दिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको करने में प्रॉब्लम ना आए कि ये स्फेरिकल मार्बल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये स्फेरिकल मार्बल्स डाल दिए इसके अंदर, और हर मार्बल का जो रेडियस है वो कितना होगा, 0.5/2 सेंटीमीटर होगा। अब देखो क्योंकि जो डायमीटर दिया है इन्होंने, डायमीटर आपको कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.5/2 सेंटीमीटर। एंड इट इज़ अज्यूम्ड दैट, ये अज्यूम किया जाता है कि 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। तो इसका मतलब जब ये मार्बल्स आप सारे डाल देते हो तो कितनी स्पेस खाली रह जाती है, टोटल वॉल्यूम का 1/8 पार्ट जो स्पेस है क्यूब की वो खाली रह जाती है। तो आपने बताना है कि उस क्यूब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्बल्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो आपने साइड क्यूब कर दिया तो इसका मतलब 22 × 22 × 22, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आंसर आएगा 10,648 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, जो रेडियस ऑफ मार्बल है वो लिखते हैं। रेडियस ऑफ मार्बल कितना दिया हुआ है आपको, 0.5/2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन गया 5/10 × 2, क्योंकि जो मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये हो गया 1, यहाँ पे कितना आ गया, 2। तो ये आ गया 1/4, मीन्स 0.25 सेंटीमीटर, ये आ गया रेडियस ऑफ मार्बल आ गया। अब मैं वॉल्यूम ऑफ मार्बल निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ मार्बल कितना होगा बच्चों वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मार्बल होगा 4/3 πr³, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। तो 4/3 × 22/7 × 0.25³, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई तो आपको ही करना होगा, जो आपकी कैलकुलेशन पार्ट है वो आपके हाथ में होती है। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आना चाहिए दैट विल बी 0.0655 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने मार्बल का वॉल्यूम भी निकाल लिया और आपने क्यूब का वॉल्यूम भी निकाल लिया, ठीक है। अब जो बात हम करने जा रहे हैं, कितनी स्पेस खाली रहती है, अब लिखते हैं एम्प्टी स्पेस इन क्यूब। क्यूब के अंदर कितनी स्पेस एम्प्टी होगी वो देखते हैं। दैट इज़ 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूब के वॉल्यूम का 1/8 पार्ट जो स्पेस है वो खाली रह जाती है बच्चों। तो 1/8 × वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया था, 10
6, 4, 8, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसको कटिंग करके देखते हैं कि ये 8 के टेबल पे सीधा ही कट हो जाएगा या नहीं होगा। 8 1 8 2 6 8 3 24 2 4, तो ये हो गया अगेन 3 और यहाँ पे आ गया 1, तो 1 3 3 1 सेंटीमीटर क्यूब जो स्पेस है वो खाली है बच्चों, इतनी बात आपको समझ आ गई। सो फिल्ड स्पेस कितनी है, भरी हुई कितनी है, फिल्ड स्पेस कितनी है, तो हम क्या करते हैं क्यूब के वॉल्यूम में से खाली स्पेस को माइनस कर देते हैं। अब क्यूब का वॉल्यूम कितना था, 10 6 4 8 -1 3 3 1, तो ये स्पेस आप माइनस कर दो, मींस इस चीज़ को समझो, ये तो आ गया देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का वॉल्यूम, ये आ गया एम्प्टी स्पेस जो खाली पड़ी है उसके अंदर। क्यों खाली क्यों रह जाती है, मैं फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये स्फीयर है, फिर एक स्फीयर जुड़ गया, फिर एक स्फीयर जुड़ गया, तो बीच में कुछ जगह तो खाली रहेगी ना, ये स्पेस ऐसे खाली बचती जाती है, तो वो टोटल 1/8 थी। मैंने यहाँ पे आपको कोशिश की ये चीज़ बताने की। ओके, तो जो आपने जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा बच्चों आपका 9317 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इतनी इतने वॉल्यूम में मार्बल्स पड़े हैं, 9317 सेंटीमीटर क्यूब में क्या पड़े हैं, मार्बल्स पड़े हैं। अब हमने नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मार्बल्स जो होंगे वो टोटल जो वॉल्यूम है भरा हुआ कितना, 9317, तो यहाँ पे लिखो 9317 अपॉन मार्बल का वॉल्यूम 0.0655। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपका आंसर आएगा 142244 अप्रॉक्स, तो ये अप्रॉक्स आंसर है, अप्रॉक्स का मतलब अप्रॉक्सीमेटली आंसर है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो देख लेते हैं, तो जो आपका राइट आंसर है बच्चों अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, दैट इज 142244, कुछ ई ऑप्शन आएगा आपका, आप चेक कर लेना, बाकी जो भी आपका सही ऑप्शन होगा कि जो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर है वो कितना होना चाहिए वो आप एक बार देख लेना, मेरी भी कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है, बिकॉज कैलकुलेशन आपके हाथ में होती है, कैलकुलेशन इज यूअर्स प्रॉब्लम। तो जो 9317 है आपका, 9317 को आपने किसके साथ डिवाइड करना है, 0.0655, सो जो आपका सही आंसर है दैट इज़ 142244 अप्रॉक्सीमेटली, आप देख लेना कि ये सबसे क्लोज किसके पास है, तो वो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो मुझे लगता है यही आपका ये ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1423 है, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, ये 1424 है, ये 1425 है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो आपका सही ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आगे नाइन्थ क्वेश्चन पे, देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, ए मेटेलिक स्फेरिकल शेल, देखो एक शेल है, मींस शेल का मतलब होता है जो अंदर से खाली हो, लेकिन इसमें दो रेडियस दिए हैं, एक आर वन या आर इनर रेडियस और एक दिया है आर आउटर रेडियस, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तो फिल्ड है और अंदर से ये खाली है, ठीक है, तो आपको इनर रेडियस कितना होगा आपका, क्योंकि इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है 4, तो 4/2, तो आपका इनर रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर, आपका आउटर रेडियस कितना आएगा, आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ 8, तो 8/2, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है जिसके इनर एंड आउटर रेडियस हमने लिख लिए, अब आपने इसको मेल्ट कर दिया, आपने क्या किया इसको मेल्टेड, मेल्ट करके इसको रीकास्ट कर दिया, इसकी शेप आपने कौन सी बना दी, एक कोन की शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया, और जो कोन का रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, वैसे डायमीटर दिया हुआ मैंने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, और इस कोन की आपने हाइट फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी किसी चीज़ को मेल्ट करके, कभी भी आप किसी चीज़ को मेल्ट करके उसको किसी और शेप में कन्वर्ट करोगे, तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक शेल, जो मेटेलिक शेल है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक शेल कितना आएगा, 4/3 πr आउटर क्यूब माइनस 4/3 πr इनर क्यूब, मींस मैंने इनर वॉल्यूम को आउटर वॉल्यूम में से माइनस कर दिया, तो आपका ये वाला वॉल्यूम जो मेटेलिक शेल का वॉल्यूम था अंदर से तो खाली है,
तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। जब आपका ये वॉल्यूम आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने इक्वल रखना है किसके, इसको कैपिटल आर मान लो, कौन के वॉल्यूम के, 1/3 πr² h, इसके इक्वल रखना है आपने। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये कॉमन निकाल लो पहले, r आउटर क्यूब माइनस r इनर क्यूब, और यहाँ पे 1/3 πr की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 4² × h, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, 4। अब आउटर रेडियस कितना है, 4³, इनर रेडियस कितना है, 2³ इज इक्वल टू 4² × height। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, 4 क्यूब होता है 64, 2³ होता है 8, माइनस कर दो, 4² 16 × h, तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 64 में से 8 माइनस किया 56, और ये वाला जो 16 है इसको नीचे ले आओ यहाँ पे, तो ये आ गया आपका h। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लो, पहले आ गया 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, ठीक है, और फिर 4 × 1 = 4, 14 × 4 = 56, तो h की वैल्यू आपकी आ गई 14 cm। तो आप देख लेते हैं कि ये ऑप्शन आपके पास है, तो 14 cm जो आपका है वो बी ऑप्शन है। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी कि जब हम किसी एक चीज़ को मेल्ट करके किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, सॉलिड पीस ऑफ आयरन है जो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो इसका मतलब आपके पास एक क्यूबॉइड था, उसने आपको आपने उसको मेल्ट करके किसकी शेप में कन्वर्ट कर दिया, स्फीयर की शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करना है बस आपने। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो गया, 49 × 33 × 24, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 πr³। तो वेरी सिंपल, क्योंकि आपके पास क्या था, एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इज माउल्डेड टू फॉर्म सॉलिड स्फीयर बना दिया। तो इसका मतलब आपने दोनों का वॉल्यूम क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो 49 × 33 × 24 इंटू, अब ये 4/3 इधर आके 3/4 बन गया, पाई की वैल्यू 22/7, वो इधर जाके जो बन जाएगी 7/22 इज इक्वल टू r³। अब देखते हैं हम कटिंग कैसे करें, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ये हो गया एक तो, ठीक है, एक 11 पे टेबल पे, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, ठीक है, उसके बाद 2 × 1 = 2, ये हो गया 3। तो r³ की वैल्यू कितनी आ गई, 49 × 3 × 3 × 3 × 7 आ गई, ठीक है। तो r³ की वैल्यू कितनी आ गई, 7 × 7 × 7 × 3 × 3 × 3, तो r³ की वैल्यू कितनी आ गई, 7 × 3³, क्यूब से क्यूब कट गया, तो r आपका आ गया 21 cm। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का। तो आप देख लो कि 21 cm आपका कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़ ए ऑप्शन, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लेना सारे बच्चे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए, नॉलेज इंक्रीज़ होती है, तभी आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं कि आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सको, इंक्रीज़ कर सको। और ये सबसे ईजीएस्ट मेथड्स होती हैं क्वेश्चन को करने के, क्योंकि देखो अगर आप में से कोई बच्चा, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दे, बाद में डिवाइड करोगे तो मुश्किल होगा। कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके ऊपर मैं ब्लू सर्कल्स लगा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाद में इसका क्यूब रूट फाइंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कैलकुलेशन को आप इस आसान मेथड से किया करो, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन के भी ऊपर भी क्लिक कर देना, और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवा देना चैनल्स को, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।